हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए प्रीवियस वीडियो में हमारा अभी तो कंटिन्यू पीएलसी एंड स्काडा सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और 8051 माइक्रो कंट्रोलर में भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, उसका आर्किटेक्चर, उसका ब्लॉक डायग्राम सारा अच्छे से समझाया था और उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं वो सारे समझा दिए थे। और उसमें अब हम रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से रजिस्टर्स लगे रहते हैं। तो देखिए, एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स कुछ लगे रहते हैं पीएलसी में, तो पीएलसी में 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, ठीक है। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, उसमें हमारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स लगे होते हैं। उन स्पेशल फंक्शंस रजिस्टर्स में भी अलग अलग हमारे क्या होते हैं, अलग अलग काउंटर्स, टाइमर्स वगैरह लगे रहते हैं। तो उनके बारे में आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आप नोट्स तो बना ही रहे होंगे और अपना नोट्स प्रिपेयर रखिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए, ये मैंने स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हेडिंग डाली है, इसको शॉर्ट में SFR भी बोलते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि SFR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको क्या बताना है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, ठीक है। ये हमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, एक नॉर्मल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का ये डायग्राम बनाया है। इसका इंटरनल डायग्राम मैंने आपको शो किया है, जिसमें क्या होते हैं, देखिए मैंने 5 ब्लॉक्स दिखाए हैं आपको। ये क्या होते हैं, हमारे 4 हमारे क्या हैं, ये बैंक रजिस्टर्स लगे हैं। बैंक रजिस्टर्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था, जिसमें आपको मैंने अच्छे से बताया था क्या, जब मैंने फ्लैग पढ़ाए थे तो फ्लैग में मैंने आपको बताया था कि बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3 कब होता है। तो 4 स्टेज भी बताई थी आपको, 00, 01, 10 और 11, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको एक डायग्राम भी बना के बताया था, सारणी बनाई थी, जिसमें चारों वैल्यू को लेके आप कैसे बैंक रजिस्टर की वैल्यू पता करते हैं, ठीक है। बैंक 1 है, 2 है, इसका अलग अलग मैंने बताया था। तो ये हमारे क्या है, बैंक रजिस्टर हैं। यहाँ पर लिख लेंगे आप, क्या लिखेंगे, ये हमारे क्या है, बैंक रजिस्टर, ठीक है। ये हमारे बैंक रजिस्टर है। अब ये क्या है, ये देखिए मैंने आपको लिखा भी है, जितना ये एरिया है हमारा, इसको क्या कहते हैं, बिट एड्रेसेबल एरिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, बिट होती है, यानी कि ये क्या है, हमारा जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है, ये हमारा क्या है, एक 8-बिट रजिस्टर है, यानी कि ये 8-बिट के डाटा को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये 8-बिट रजिस्टर है, यानी कि ये 8-बिट एड्रेसेबल एरिया होगा, क्योंकि ये 8-बिट रजिस्टर है तो इसमें 8-बिट ही डाटा तो सेव कर सकते हैं आप। तो ये हमारा कौन सा एरिया है, स्केच पैड एरिया, ठीक है। ये हमारा कौन सा एरिया है, स्केच पैड एरिया, ठीक है। स्केच पैड एरिया क्या है, इसमें हमारी जितनी भी स्केचिंग होती है, जितनी भी हमारी स्केचिंग होती है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, वो इस एरिया में होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक नॉर्मल SFR का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा समझा दिया है। आप देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ते हैं। डिटेल क्या है, इट इज ए अपर रैम मेमोरी। देखिए रियलिटी में होता क्या है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, 2 मेमोरी हमारी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है, एक इंटरनल मेमोरी होती है। तो इंटरनल मेमोरी में भी हमारी 2 मेमोरी होती है, कौन सी, रैम और रोम, ठीक है। आप क्या करते हैं, रोम में आप क्या करते हैं, रोम में तो आप प्रोग्राम को सेव करते हैं, ठीक है, हमने पीछे पढ़ लिया है। और इसमें क्या करते हैं, डेटा, बट दोनों में ही क्या होता है, टेम्पररी डेटा सेव होता है, परमानेंटली डेटा सेव नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया, ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर में एक बेसिकली सी बात आपको बताई है। लेकिन अब हम SFR के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा SFR क्या है, एक हमारा अपर, ये क्या है हमारा, अपर रैम मेमोरी है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, SFR को अपर रैम मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि SFR का जो डाटा होता है वो हम क्या करते हैं, रैम में सेव करते हैं, ठीक है। यानी कि इसके भी इंटरनल क्या है, रैम मेमोरी है, और उस रैम मेमोरी में ही सारा का सारा डाटा हमारा जाता है। रैम में जाने के बाद ही मेमोरी में डाटा हमारा ट्रांसफर होगा, ठीक है। इसका सेकेंड पॉइंट हम पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, जो हमारा SFR
मेमोरी, SFR मेमोरी जो हमारी होती है वो क्या होती है, देखिए SFR मेमोरी में जाने से पहले डेटा कहाँ जाता है, डेटा रैम में स्टोर होता है, ठीक है, ओके। और एक पॉइंट और लिखेंगे, इट इज ए 8-bit, क्या है 8-bit रजिस्टर, ठीक है, ये क्या है हमारा एक 8-bit रजिस्टर है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट देखेंगे। पॉइंट क्या है, जो हमारा SFR है, SFR को बिट एड्रेसेबल, बिट एड्रेसेबल एंड किससे, बाइट एड्रेसेबल, किससे, बिट एड्रेसेबल से और बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर से इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो क्या है हमारा SFR को बिट एड्रेसेबल और किससे, बाइट एड्रेसेबल से इंप्लीमेंट किया गया है। देखिए एक बिट में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था हमारे वन बिट या तो एट बिट में 1 byte होता है, ठीक है, क्या होता है 8 bit के बराबर 1 byte होता है। इसीलिए क्या बोला है, या तो आप बिट एड्रेसेबल बोल दीजिए या फिर आप वाइट एड्रेसेबल, क्योंकि बिट किसके बराबर होती है, 8 bit होते हैं और वाइट यानी कि 1 bit होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, जो हमारा बिट और बाइट का कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ गया होगा आपको कि बाइट और बिट एड्रेसेबल से इंप्लीमेंट क्यों किया गया है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ये हमारा क्या करता है, बाइनरी डाटा को स्टोर करता है। आपको तो पता ही, सारा माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर हमारा बाइनरी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, सारा का सारा हमारा बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल, यानी कि जितने भी हमारे काउंटिंग्स होती हैं वो सारी की सारी कंप्यूटर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ही मिलेंगी। आप चाहे उसे डिजिटल में दीजिए या आप हेक्साडेसिमल में दीजिए या आप किसी में भी देंगे, बट मेमोरी को डाटा यानी कि CPU को डाटा मिलेगा वो हमारा बाइनरी डिजिट में ही मिलेगा, क्योंकि सिर्फ CPU हमारा बाइनरी डिजिट का ही कॉन्सेप्ट समझता है, बाकी उसे कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब देखिए ये एक सिंपल SFR के बारे में बताया है मैंने, ठीक है। अब SFR के टाइप्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं और उनके बारे में वन बाई वन करके अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में हम लोग पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट टाइप क्या है, देखिए एक्यूमुलेटर, ठीक है। एक्यूमुलेटर में क्या होता है, देखिए एक्यूमुलेटर को ही हम ए रजिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको ए रजिस्टर के नाम से बोलिए या फिर आप एक्यूमुलेटर बोलिए, या इसी को ए सी सी से डिनोट करते हैं या फिर ए भी लिख के आ जाता है, तो ये सब क्या है हमारा एक्यूमुलेटर ही है, या ए लिख के आ जाए या फिर ए सी सी लिख के आ जाए, बट आपको क्या समझना है, एक्यूमुलेटर, इट मींस एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो देखिए ये मैंने एक बेसिकली उसका डायग्राम बताया, वन बिट एक्यूमुलेटर का मतलब 8 bit का एक हमारा एक्यूमुलेटर होता है। देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या है, यह एक 8-bit या 1 byte एड्रेसेबल रजिस्टर है, ठीक है, और इसे किससे, ACC से या A से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया, ठीक है। अब ये हमारा जो मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया है, इस ब्लॉक डायग्राम में देखिए इसके एड्रेसेस कितने होते हैं, 1 bit एक्यूमुलेटर में हमारे 8 addresses होते हैं। 8 addresses कहां से कहां तक, E0 से लेकर E7 तक होते हैं, ये देखिए मैंने बनाए हैं 8, ये सारे हमारे E0 से E7 तक होते हैं। उसके बाद देखिए डायरेक्ट एड्रेस हमारा क्या होता है, डायरेक्ट एड्रेस होता है E0H, ठीक है, E0H हमारा डायरेक्ट
एड्रेस होता है, ये डायरेक्ट एड्रेस एक बेसिकली कनेक्टेड ही रहता है 0s, ठीक है। अब आपको जो फाइंड करना है, मान लिया हमें इवन फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, वन बिट एड्रेसेस को फाइंड करने के लिए, क्या करेंगे आप, इवन को एक्सेस करेंगे, ठीक है। किसे करेंगे, इवन को एक्सेस करेंगे, ठीक है। ये लिख लीजिए, थोड़ा सा पॉइंट एक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको इवन यानी कि आपको वन बिट एड्रेसेस को फाइंड करना है, तो आप इवन को एक्सेस करेंगे। जब आपको टू बिट एड्रेसेस को फाइंड करना है, यानी कि टू बिट एड्रेसेस को हमने किससे दिखाया है, E2 को माना है, तो E2 एड्रेसेस को आप एक्सेस करेंगे। इसी तरह से आपको 3 बिट फाइंड करनी है, तो E3 को आप एक्सेस करेंगे, ठीक है। 4 को फाइंड करना है, तो E4 को एक्सेस करेंगे। इस तरह से जो आपको चाहिए आउटपुट में, उसी के अकॉर्डिंग एक्सेस करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्या हुआ, हमारा ए रजिस्टर हुआ, ठीक है। अब ए रजिस्टर का यूज कहाँ किया जाता है हमारा, इसके सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये जितना भी एडिशन, ये सब हमारे अर्थमेटिकल एंड क्या होते हैं, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जितने भी अर्थमेटिकल हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, उनको क्या करता है, ये होल्ड करके रखता है, ठीक है, यानी कि स्टोर करके रखता है, ठीक है। होल्ड करने के लिए यानी कि कुछ समय के लिए रोकने के लिए, टेम्पररी कुछ ही टाइम के लिए ये रोकता है, ठीक है। तो ये होल्ड करने के लिए हम ए रजिस्टर का यूज करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी मैंने आपको वहां पे समझाया कि एक्यूमुलेटर में 1 बिट में 8 एड्रेसेस कहां से, E0 से E7 तक होते हैं, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हुआ होगा आई होप, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इसी में हमें नेक्स्ट क्या समझना है, देखिए नेक्स्ट हमें समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप मान लीजिए सबस्ट्रक्शन कर रहे हो, एक्यूमुलेटर का यूज करके आप सबस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, वन एक्यूमुलेटर, यहां लिख लीजिए वन एक्यूमुलेटर का यूज करके क्या करना, सबस्ट्रक्शन करना, ठीक है, सबट्रैक्शन करना। तो करना उसमें आपको क्या बता रही हूं, उसको उसमें आपको बता रही हूं असेंबली प्रोग्राम क्या होगा, उसका ये बता रही हूं। तो देखिए, आप अगर वन एक्यूमुलेटर का यूज करके और सबट्रैक्शन करना चाह रहे हैं, तो आप क्या प्रोसेस क्या होगा, असेंबली क्या होगी, वो प्रोसेस बता रही हूं आपको। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, फर्स्ट होता है हमारा ORG00H, ठीक है। आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो किसी भी बुक में दिए होंगे, नॉर्मली आप देख लेना, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन हमें पता होना जरूरी है, ठीक है, 8051 के लिए। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कुछ इंस्ट्रक्शन अगर आपको पता नहीं है, तो आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे इसको। तो ये इंस्ट्रक्शन हमारा देखिए ORG00H, ये क्या बताता है, इसे अभी बताती हूँ। सेकेंड हमारा इंस्ट्रक्शन क्या आता है, सेकेंड इंस्ट्रक्शन हमारा आता है एम ओ बी के बाद R0H09, ये आता है एक, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड इंस्ट्रक्शन रहता है MOB, यानी कि ये तो ऐसे ही रहेगा MOB, उसके बाद A, उसके बाद हैज कॉमा रहता है यहाँ पे,
कॉमा 01H, एक ये इंस्ट्रक्शन रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ इंस्ट्रक्शन क्या रहता है, इंड का। फोर्थ इंस्ट्रक्शन हमारा रहता है इंड का। देखिए पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन याद करा दूं, क्या है, ओ आर जी 00H, यानी कि आप यहां से ओहू, ओहू से आप याद कर सकते हैं ओहू, ठीक है। ओहू के बाद क्या करेंगे, ओहू मूव, फिर ओहू के बाद मूव करना है, ओहू मूव एंड। बस ये तीन वर्ड याद रखना है, ओहू मूव एंड, ओहू मूव एंड, ठीक है, इतना याद हो गया होगा। उसके बाद मूव में क्या लगेगा, पहले हैज लगेगा, उसके बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद 09 ऊपर है, यानी कि हमारी जो बाइनरी डिजिट होती हैं 09 तक होती हैं, तो 09 ऊपर है और 01 नीचे है, 01 से स्टार्ट होती हैं, तो 1 से स्टार्ट होती हैं, 0 और 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 01 नीचे है और 09 ऊपर है। बस ये याद करने का तरीका क्या है, ओहू मूव, उसके बाद मूव में 09 ऊपर लगाना है, यानी कि बाइनरी डिजिट हमारी 09 तक होती है, तो 09 ऊपर लगाना है, उसके बाद 01 से स्टार्ट होती है बाइनरी डिजिट, तो 01 नीचे रखना है, हैज ऊपर लगाना है, कॉमा नीचे लगाना है। इस तरह से आपको ये याद करने की एक ट्रिक बता दी मैंने, ठीक है। तो आप याद इस तरह से रखेंगे, यानी कि थोड़ा सा कुछ नॉमिनल सा बना लेते हैं, उसकी वजह से हम कुछ थोड़े से फिनोमेना अपनी ओर से ही ऐड करने पड़ते हैं याद करने के लिए, तो इसलिए मैंने आपको ट्रिक बताई है याद रखने की। अब देखिए इनके बारे में लिखेंगे, ये बताते क्या है, तो ये हमारा एड्रेस को डिसाइड करता है, क्या करता है, ये एड्रेस डिक्लेरेशन, एड्रेस डिक्लेरेशन करता है ये हमारा। और ये क्या करता है, देखिए कॉपी, मूव का मतलब है कॉपी, मूव करना किसी चीज को, मूव तो तभी करा पाएंगे जब वहां से किसी चीज को आप कॉपी करेंगे, तो मूव का मतलब है कॉपी। अब ये क्या है, आर ओ, आर जीरो, आर जीरो मतलब, जीरो का मतलब है कि आपने क्या किया, 09 इंस्ट्रक्शन एड्रेस को, 09 एड्रेस को आपने आर में, किस में, ए रजिस्टर में, आर का मतलब है ए रजिस्टर में भी, किसे, जीरो को एक्सेस कराया है, यानी कि ए रजिस्टर में जीरो को एक्सेस कराते समय आपने 09 एड्रेस को कॉपी करके कहाँ रखा है, ए रजिस्टर में रखा है। इसका मतलब है कॉपी, कॉपी 09 एड्रेस, ठीक है, कॉपी 09 एड्रेस और कहाँ, पेस्ट आर रजिस्टर। आपने 09 एड्रेस को कॉपी किया है, ठीक है, कॉपी किया है और कहाँ रखा है, आपने आर रजिस्टर में रखा है उसको, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद देखिए हमारा थ्री रहता है, उसके बाद आता है हमारा, देखिए हमारा ये क्या हुआ, कॉपी 09 एड्रेस पेस्ट कहाँ किया, आर रजिस्टर में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ से हमारा क्या हुआ, कॉपी होगा, यानी कि फिर से मूव लिखा है, मूव ए हैज 03H, ठीक है, यानी कि आपने कॉपी, कॉपी 03 एड्रेसेस पेस्ट आर रजिस्टर, आर एक्यूमुलेटर, ए का मतलब है एक्यूमुलेटर, ओके, कहाँ पे आपने, आपने कहाँ से 03 एड्रेस को कहाँ से कॉपी कर लिया, आपने यहाँ से कॉपी कर लिया आर रजिस्टर से, अब कहाँ पेस्ट कर दिया, एक्यूमुलेटर में, यानी कि अब डाटा कहाँ पर आ गया, एक्यूमुलेटर में आ गया। अब एक्यूमुलेटर में आने के बाद क्या करेंगे आप, सबट्रैक्ट करेंगे, सब आपने क्या किया, इसी डाटा को सबट्रैक्ट कर लिया, यानी कि सबट्रैक्ट, सबट्रैक्शन कर लिया उसका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 4-5 पॉइंट हमारा होता है एंड, यानी कि जो भी रिजल्ट हमारा यहाँ पे मिला है सबट्रैक्शन होने के बाद, वो एंड में, यानी कि आउटपुट के रूप में एंड में हमें फाइंड हो जाता है। फिर से एक बार समझेंगे इसको, क्योंकि ये कीवर्ड्स आ जाते हैं हमारे, यानी कि
ये पूछ सकता है कि MOV का मतलब क्या होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, या फिर A का मतलब क्या है, या फिर 00H का मतलब क्या है। देखिए एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई थी, क्या होता है SFR में स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में हमारे जो एड्रेसेस होते हैं वो 80H से FF तक होते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? 80H से FF तक होती है वैल्यू, ठीक है। डेटा यानी कि 80H से लेकर FF तक आप उसमें सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या समझना है, समझने वाले पॉइंट ये हैं कि ये एक 8-bit या 1-byte एड्रेसेबल, ये क्या है, एड्रेसेबल हमारा एक्यूमुलेटर है, ठीक है। उसके बाद इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रोग्राम्स किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हुआ, हम सब्सट्रैक्शन अगर कर रहे हैं तो उसका मैंने एक आपको असेंबली समझाया कि आप किस क्रम में सब्सट्रैक्शन करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ORG00H, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया, OHU MOVE SUBIND, ये आपकी ट्रिक है याद रखने की। उसके बाद ये थोड़े से सिंबल आपको याद रखना है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया इसका मतलब क्या है। एड्रेस को ये डिक्लेयर करता है, उसके बाद यहाँ से कॉपी किया जाता है, कहाँ जाता है, रजिस्टर R में, रजिस्टर R के बाद अक्यूमुलेटर में, अक्यूमुलेटर के बाद सब्ट्रैक्ट हो जाता है, सब्ट्रैक्ट होने के बाद आउटपुट के रूप में इंड में हमें फाइंड हो जाता है। यहाँ तक आपका एक प्रोसेस चलता है, ठीक है, तब जाके आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अक्यूमुलेटर। अब हमारा देखिए नेक्स्ट हमारा टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप है हमारा बी रजिस्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं बी रजिस्टर। बी रजिस्टर में क्या है, देखिए बी रजिस्टर आप हेडिंग डालेंगे, इसका मैंने डायग्राम बना दिया है। तो देखिए इसमें कितने हमारे एड्रेसेस होते हैं, 0 से 7 तक ही होते हैं, बट इसे क्या एफ से डिनोट करते हैं, एफ 0 से लेकर F7 तक होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, F0 से F7 तक, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके पॉइंट्स मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा। देखिए ये क्या है, एक 1-bit या byte addressable register है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज 8-bit एड्रेसेबल रजिस्टर। क्या है ये, 8-bit है, क्या है ये, 8-bit एड्रेस डाटा को सेव करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, इट इज यूज्ड विद किसके बाद, किसके साथ, R रजिस्टर। ये R रजिस्टर के साथ ही यूज किया जाता है, ओनली आप इसे अकेला यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको B रजिस्टर लगाना है आपको, तो आपको A रजिस्टर भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये A रजिस्टर के साथ यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका यूज क्या है, कहाँ करते हैं, मल्टीप्लायर में इसका यूज करते हैं और डिवीजन में इसका यूज करते हैं। मल्टीप्लायर में जब करते हैं तो ये क्या करता है, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लायर को क्या करता है, स्टोर करता है। जो मल्टीप्लायर आएगा उसको, या फिर जिससे मल्टीप्लाई किया है उसको ये क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। उसके बाद डिवीजन, जब डिवीजन का हमारा फंक्शन चलता है, जब डिवीजन करते हैं हम, तो क्या करता है ये, डिवाइडर को या फिर रिमाइंडर को, जो शेष बचता है उसको, या फिर जिससे आप डिवीजन कर रहे हैं मतलब भाग दे रहे हैं, उससे क्या करेगा ये, स्टोर कर लेगा, ठीक है। इसका ये मेन पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि जब आप वी रजिस्टर का यूज मल्टीप्लाई में करते हैं, यानी कि मल्टीप्लायर के जैसे यूज करते हैं इसका, तो ये क्या करता है, मल्टीप्लायर को और मल्टीप्लाई को, दोनों को ही, जिससे गुणा कर रहे हैं उसको, या फिर जो जिससे कर रहे हैं उससे, या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट फाइंड हुआ है उसको, दोनों को ही ये क्या करता है, स्टोर कर लेता है। उसके बाद जब डिवीजन ऑपरेशन फंक्शन होता है तो क्या होता है, ये रिमाइंडर को या फिर डिवाइडर को स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से एक चीज़ और आपको बतानी थी, जैसे हमने ए रजिस्टर पढ़ा था वैसे ही हमारा बी रजिस्टर है, लेकिन क्या है इसमें, इसमें हमारा एफ
जीरो एच ये क्या है हमारा एक फिजिकल डायरेक्ट फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। डायरेक्ट फिजिकल एड्रेस क्या माना है, एफ जीरो एच, उसमें क्या था ई जीरो एच था, ठीक है। तो हमारा एक बिट, हमें एक बिट में वन एक्सेस करने के, वन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ वन को एक्सेस करना पड़ेगा। अगर आप वन को फाइंड करना चाहते हैं तो आपको एफ वन को एक्सेस करना पड़ेगा, अगर आप टू को फाइंड करना चाहते हैं तो आपको एफ टू एक्सेस करना पड़ेगा, अगर आप फोर को करना चाहते हैं तो फोर एफ फोर को एक्सेस करना पड़ेगा। इस तरह से आप जो रिजल्ट फाइंड करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ये फंक्शंस जो हमारे दिए हैं रजिस्टर बी में उसको आपको एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी चीज आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम इसका क्या देखते हैं, असेंबली कैसे करेंगे। मान लिया आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए असेंबली क्या होती है, और डिवीजन करना है तो डिवीजन के लिए असेंबली प्रोग्राम क्या होता है। तो हम असेंबली प्रोग्राम को जरूर समझेंगे क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई और डिवीजन करना अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, देखिए मल्टीप्लाई असेंबली कैसी होती है। आपको मल्टीप्लाई असेंबली की जो हमारा स्टेप्स होते हैं वो हमें याद रखने हैं कैसे। देखिए सबसे पहले हमारा, हमने जैसे ए रजिस्टर में आपको बताया था ओ आर जी ट्रिपल जीरो एच है, वही सेम है। इसमें भी सेम क्या है, एम ओ वी मूव हैज 09H है। उसके बाद थ्री में क्या है, मूव वी कॉमा हैज 03H है। उसके बाद एम यू एल यानी कि मल्टीप्लाई ए वी है, उसके बाद इंड है, ठीक है। तो देख लेते हैं सबका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, एड्रेसेस डिक्लेरेशन या डिसाइडेड, ठीक है। ये क्या करता है, मूव यानी कि 09H एड्रेस को कॉपी करके रखना, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉपी करके ए रजिस्टर, यहां पर एम ओ वी ए है, ठीक है, ए रजिस्टर में आप रखेंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट इन ए रजिस्टर, ठीक है। इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, मूव वी हैज 03H यानी कि 03H एड्रेस को कहां रखेंगे, वी रजिस्टर में रखेंगे, ठीक है, पेस्ट वी रजिस्टर। उसके बाद एम यू एल ए कॉमा बी का मतलब है जो आपको बी रजिस्टर में डाटा फाइंड हुआ है उसको आप कहां रखेंगे, मल्टीप्लाई करके स्टोर करेंगे रजिस्टर ए में, ठीक है। यानी कि बी में फाइंड डेटा को ए रजिस्टर में स्टोर करेंगे, ठीक है, स्टोर करना। उसके बाद इसका मतलब इंड यानी कि फाइनल रिजल्ट क्या करना, फाइंड करना, फाइनल रिजल्ट फाइंडेड, ओके। आई होप समझ में आया होगा। देखिए ओ आर जी ट्रिपल जीरो एच में क्या करते हैं, जो एड्रेसेस हमारा मिलता है उसको डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का एड्रेस हमें फाइंड हुआ है, ठीक है। यानी कि एड्रेस का मतलब आपको एड्रेस जीरो एच मिला है या क्या मिला है, मतलब जीरो एच है या क्या है, यानी कि एक्सेस आप किसे करा रहे हैं, एक्सेस किसे करा रहे हैं, एफ वन से एफ जीरो से लेकर एफ सेवन तक कौन सा आप फंक्शन एक्सेस करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से कॉपी करके रजिस्टर ए में पेस्ट कर देगा, यानी कि रजिस्टर ए में आ जाएगा, डाटा ए में स्टोर करेगा। उसके बाद ए में स्टोर होने के बाद डाटा जो 03H है हमारा उसको ये बी रजिस्टर में कॉपी करके स्टोर रखेगा। उसके बाद बी से जो डेटा हमें फाइंड होगा उसको मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि किसके तरह यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई असेंबली को समझ रहे हैं हम, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्टोर करके रजिस्टर ए में रखेगा। उसके बाद फाइनल में हमें फाइनल रिजल्ट फाइंड हो जाएगा, यानी कि आपको क्या रिजल्ट फाइंड हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम
असेंबली प्रोग्राम को समझ लेते हैं, किसका है, मल्टीप्लायर के। जैसे जब आपने मल्टीप्लाई प्रोग्राम किया है उसमें तो आपको इतना इतने स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये मैंने आपको समझा दिया है। टाइप्स में, टाइप्स ऑफ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में आपको टू टाइप्स मैंने बता दिए हैं, कौन कौन से, देखिए, ए रजिस्टर और बी रजिस्टर। ए रजिस्टर को क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर, और बी रजिस्टर को बी रजिस्टर ही बोलते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि हमारा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में टू टाइप्स कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट टाइप आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए, और आप अपनी स्टडी कंटिन्यू बनाए रखिए, क्योंकि अभी जल्दी ही मैंने वीडियो एक अपलोड की भी है जिसमें वैकेंसी हमारी आई है UP RVNL JEE की, और वो फॉर्म आपको ज़रूर फिलअप करना है, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा और गुड चांसेस मिला है कि कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाली थी, इस वैकेंसी की कोई भी सूचना नहीं थी, बट ये वैकेंसी सडनली ही आ गई है, तो हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है, हमारे लिए गोल्डन चांस है कि अभी UPPCL JEE का एग्ज़ाम होगा, अब ये भी होगा, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है SSC JEE और RRB JEE की। यानी कि ये साल हमारे लिए वैकेंसी का बहुत ही गुड चांस होगा, इसमें आपको जॉब पानी ही पानी है, ठीक है, इसलिए आप मेरे साथ ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिए और अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस।